हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिताज किचन। आज हम बहुत ही टेस्टी और इजी इवनिंग स्नैक बनाने वाले हैं। यह स्नैक बहुत ही हेल्दी है और आप इसे सिर्फ 10 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा ले लीजिए और उसमें सहजन के पेड़ के पत्ते को डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। एक बड़े प्याज को काटकर डाल लीजिए, 5 हरी मिर्च को काटकर डाल लीजिए, 2 स्पून नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर मिला लीजिए। पानी डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह मिला लीजिए। एक कढ़ाई में तेल को गर्म करके उसमें आटे का गोल बनाकर डालना है। हमने नारियल तेल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। नारियल तेल में पकाने से हेल्दी होता है। इसका कलर ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए। इसी तरह बाकी के आटे को भी बना लीजिए। देखिए, इस तरह ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बस हमारा टेस्टी टेस्टी इवनिंग स्नैक सर्व करने के लिए तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।